आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। इस संसार के अंदर अनेकों प्रकार के योग करने वाले योगी जो योग के माध्यम से अपनी कायाकल्प करते हैं, जिन्होंने योग के माध्यम से अपनी आयु को बहुत लंबा किया, वो लोग जो 100 वर्ष की जगह 200, 500, हजारों वर्ष तक शरीर के सुख भोगे, जिन्होंने योग के माध्यम से श्वास के ऊपर पकड़ बना करके अपनी आंतों को और पूरे शरीर को, यानी पूरे शरीर को इस तरह से तैयार कर दिया कि लंबे समय तक युवावस्था रहे, लेकिन वो लोग आज जीवित नहीं हैं। जो ये प्रयास करते हैं कि हम लंबे समय तक रहें, वो रह जाते हैं, सांसारिक सुख भोग लेते हैं, लंबे समय तक इस संसार के अंदर जितने भौतिक पदार्थ हैं उनका आनंद ले सकते हैं, लेकिन जो सुख उस परमतत्व में है, जो सुख उस परमात्मा में है, जो सुख उस अनंत में है, वो नहीं भोग पाते, क्योंकि बहुत से योगी लोग जिन्हें मात्र शरीर का अभ्यास होता है वो वहाँ तक नहीं जा सकते। मात्र शारीरिक योग के द्वारा, शारीरिक शुद्धियों के द्वारा वो योग सिद्ध नहीं होता। उस योग को सिद्ध करने के लिए शब्द की आवश्यकता होती है, ध्यान की आवश्यकता होती है और साधन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत से लोग इतने हड़बड़ाहट में रहते हैं, ध्यान कर नहीं पाते। कुछ लोग 6 महीने, कुछ लोग 1 वर्ष, कुछ लोग 2 वर्ष ध्यान करके मन को चंचल करके भाग लेते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारे विचार काबू में नहीं रहते। साधकों, ध्यान लगे ना लगे लेकिन आसन जरूर लगाना चाहिए, सिमरन के ऊपर जरूर बैठना चाहिए, आखिरी श्वास तक बैठना चाहिए। कुछ लोग भागदौड़ में रहते हैं कि बैठ तो गए लेकिन बैठे नहीं हैं, कुछ भी करके कैसे भी प्रयास करके, साधना हो ना हो लेकिन अभ्यास बंद मत कीजिए। अगर आपने अभ्यास बंद कर दिया तो आप साधक नहीं रहे, क्योंकि अभ्यास बंद होते ही जीव उसी स्थिति में आ जाता है, आगे का रास्ता बंद हो जाता है, उन्हें
आगे जो बढ़ना होता है, जिसके कारण से जीवन मुक्ति का मार्ग खुलता है, वो जीव अपने आप ही बंद कर लेता है। बस ये मान करके कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे क्यों बैठना है, मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे क्या मिलेगा। आपको पता नहीं, बैठने मात्र से, नाम जपने मात्र से करोड़ों करोड़ कर्म कट जाते हैं। जिस प्रकार से आप बैठे, कोई विचार आया, मन एकदम दुखी हुआ, ध्यान भंग हुआ, ध्यान बटते ही फिर जब वो कर्म जाएगा तो ध्यान भी ठहराव में आने लगेगा। ये कर्म हिलोरे मारते हैं, कर्म हिलते हैं। पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो जाल की तरह से चलते हैं। जैसे सागर के अंदर, समुद्र में आपने देखी होंगी, जाल किस प्रकार से आती हैं, कैसे जाती हैं, इसी प्रकार से अच्छे और बुरे कर्म हमें इस जन्म में प्रभावित करते हैं। और वो कर्म इस शरीर के जन्म के कारण हैं, और जब तक वो समाप्त नहीं होंगे ये जन्म चलता रहेगा। लेकिन ध्यान के द्वारा, नाम के द्वारा उन कर्मों को कमज़ोर किया जा सकता है, उसमें गुरु सहयोग करते हैं।